मिस्टेक नंबर 65 में मैंने चिट्टी की सबसे बड़ी गलती का खुलासा किया है, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। चिट्टी इसको मस्त वाला लात मारता है और ये हवा में उड़ते जाता है, और यहाँ तक भी सब सही है, लेकिन इसके बाद ये हवा में 90 डिग्री या 180 डिग्री कितना होगा पता है। # मैथ्स में कमजोर घूम कैसे जाता है ये समझ नहीं आता मेरे को। मतलब जब भी मूवी टीवी में आती है ना, मैं हर बार ये सोचता हूँ हवा में घूम कैसे जाता है ये। और भाई ये चिट्टी रोबोट है कि रोनाल्डो है, मतलब वो हवा में बॉल घुमा देते हैं और ये हवा में आदमी ही घुमा दे रहे हैं। मतलब सही है भाई। तो यहाँ पे सना ने 112 बार फोन किया है वसी को, बट वसी के पास फोन उठाने का टाइम ही नहीं है। हाउ मीन? बट भाई अगर यहाँ पे टेक्निकली देखा जाए तो एक मिस कॉल यानी मिस कॉल और 112 मिस कॉल यानी मिस्ड कॉल्स, एस का महत्व। ऐसे ही मैंने एक बार इंग्लिश के पेपर में बहुत लोगों को मैनी पीपल्स लिख के आ गया था, और वहाँ पे उन्होंने एस के साथ साथ मेरा पूरा क्वेश्चन ही काट दिए थे। बट भाई यहाँ पे मैं श्योर हूँ एस आएगा, तो यहाँ पे मैं मार्क्स कटने नहीं दूंगा। तो अभी यहाँ पे एक पेपर चिपका हुआ दिख रहा है, बट वही सामने के एंगल से दिखाने पे कैप हो कैया। अम्मा को प्रणाम करो। तो अभी ये लोग घर के गेट में खड़े हुए जब ये चिट्टी को प्रणाम करने बोल रहे हैं, लेकिन जब चिट्टी प्रणाम करने के लिए झुकता है तब तो ये लोग घर के अंदर आ जाते हैं जो पहले घर के गेट में खड़े हुए थे। वाह, तो ये जो चिचुंग कर की आवाज आई वो वायर खिंचाने की आवाज आई, लेकिन भाई इस टीवी के पीछे साफ दिख रहा है कि इसमें कोई वायर रिलेटेड चीज ही नहीं है, तो फिर ये आवाज किस चीज की थी ब्रो? और भाई इस टीवी में एक भी होल क्यों नहीं दिए हुए हैं? मतलब भाई आजकल के टीवीज में भी पेन ड्राइव, सेट टॉप बॉक्स, फलाना ढिकाना सब चीज कनेक्ट करने के लिए कितने सारे होल दिए रहते हैं, और ये मूवी तो 2010 की है, तो ऐसा क्यों है भाई, कोई बताएगा मेरे को? चिट्टी जाओ जरा टीवी खोल दो। तो यहाँ पे आंटी जी ने चिट्टी को टीवी खोलने तोड़ने अबे तो यहाँ पे आंटी जी ने टीवी को चालू करने के लिए कहा है चिट्टी को, लेकिन आंटी जी टीवी चालू करके करोगे क्या ये बताओगे? मतलब भाई टीवी कहाँ रखा है सबसे पहले आप वो देख लो, ऐसी जगह में टीवी रखा हुआ है कोई चाह के भी ढंग से टीवी नहीं देख पाए, ये तीनों तो उल्टा बैठे तो ये लोग घंटा नहीं देख पाएंगे। आंटी जी भी खाना पूरा सही तो नहीं देखेगी, अंकल जी भी थोड़े बूढ़े हो गए हैं तो उनको भी तो शायद दिखेगा नहीं, और मेरे को यहाँ पे 55 इंच का टीवी 23 इंच का दिख रहा है यहाँ से, तो कोई ढंग से देख ही नहीं पाएगा, तो टीवी चालू करके करोगे क्या आंटी जी? तो चिट्टी ने यहाँ पे नो पार्किंग में लाके कार को खड़े कर दिए, लेकिन जब चिट्टी ने पहली बार कार चलाया था तब उसने ड्राइविंग मोड यूज़ किया था, और यहाँ पे सभी ड्राइविंग रूल्स दिख रहे थे उसको, और यहाँ पे साफ साफ नो पार्किंग का भी साइन है। मतलब चिट्टी को ये पता है कि नो पार्किंग में कार नहीं खड़े करते, लेकिन चिट्टी ने फिर भी कार खड़े की, और ये गलती एक रोबोट ने की है, तो ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी। तो यहाँ पे इस चीज़ की मदद से चिट्टी वसीकरण की पूरी बॉडी को प्रोजेक्ट कर पा रहा है अपने सामने, लेकिन कैसे भाई? हाओ, मतलब भाई आधी बॉडी तक तो समझ भी आता है, लेकिन आधी बॉडी तो टेबल के नीचे छुप जा रही है जो कि दिखाई भी नहीं दे रही है। मतलब ये चीज वसीकरण की आधी ही बॉडी को देख पा रहा होगा, लेकिन प्रोजेक्ट उधर पूरी बॉडी को कर रहा है। वाओ, और यहाँ पे वसीकरण का जूता भी साफ साफ दिख रहा है जो कि मेरे को ही नहीं दिख रहा है। सही है भाई। तो अभी चिट्टी सना की पेंटिंग बना रहे हैं, और भाई अभी ये लोग साइंस एग्जीबिशन टाइप की, मतलब साइंस से रिलेटेड कहीं जगह में है जहाँ पे पेंटिंग का ऐसा सामान मिलना। तो चिट्टी जो सना को पेंटिंग बना के देता है वो सना ने अपने हाथ में ही पकड़ा हुआ है, पर भाई घर जाते समय सना के हाथ से वो पेंटिंग गायब हो गया। चिट्टी मेरे कुछ खाना बनाओ ना, मैं नहा के आती हूं। तो यहाँ पे चिट्टी को सिर्फ और सिर्फ खाना बनाने का ऑर्डर मिला है, लेकिन चिट्टी खाना बनाने के बाद फ्री में सना का रूम भी साफ कर देता है। मतलब वाह, आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे काम वाले, कहीं नहीं। कान बंद करो। अगर आप अपने कानों को उंगली से बंद कर लेते हो तो 100% में से 10% आवाज़ आपको शायद ना सुनाई दे, मगर 90% आवाज़ फिर भी सुनाई देती है, एंड इट्स अ फैक्ट, फैक्ट टैक्स। और फिर चिट्टी आवाज़ को इतना तेज़ कर देता है कि इन सब सामानों के साथ साथ इन चारों के कान फट जाते हैं, मगर सना का रिएक्शन देख के लग रहा है कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और भाई इन्होंने भी बाद में अपने कान में हाथ रख लिया था, मगर इनको देख के पता चल रहा है कि कितना तेज़ आवाज़ है, कान कितना फट रहा है इन लोग का, मगर सिर्फ सना का ही कान क्यों नहीं फट रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। सना ऑलवेज रॉक्स मन। मतलब दिमाग देख रहे हो, ट्रांसमीटर निकाल के फेंका कहाँ, पीछे। वाह, और फेंकाने के बाद आवाज भी आया ना, कंचा गिरते वैसी टक टक करके आवाज भी आया इसका। मतलब भाई पीछे फेंकने की क्या जरूरत थी, पीछे और भी लोग बैठे हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, उनमें से कोई आवाज गौर कर लेता है, कुछ भी गौर कर लेता, मैम को बता देता कि मैम ये कुछ तो आगे से गिरा है, तब मतलब भाई नीचे ही कहीं रख लेती, नीचे ही कहीं फेंक लेती, लेकिन पीछे नहीं फेंकना था, बहुत बड़ी गलती है। हालांकि हुआ कुछ नहीं, होना तो कुछ भी नहीं था, वैसे भी नहीं होता। तो अभी चिट्टी के हाथ में सना का पर्स है जो कि अगले ही पल हाथ से गायब हो गया, और ट्रेन के अंदर जाते ही हाथ में पर्स वापस आ गया। तो अभी ये लोग बिल्कुल गेट से लगते ही खड़े हुए हैं, लेकिन अगले ही पल ये लोग तो काफी अंदर खड़े हुए हैं। वाह, तो यहाँ पीछे एक स्टेशन जाता हुआ दिख रहा है हमें जो कि अचानक से गायब हो गया, मतलब पूरा का पूरा स्टेशन ही गायब हो गया। वाह, और इतना ही नहीं, वो अगले पल वापस भी आ गया, ही इज बैक। और इसी मिस्टर इंडिया स्टेशन में एक बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन भैया उसमें लिखा कुछ नहीं हुआ है, मतलब क्या कुछ सिग्नल देना चाह रहा है क्या, ये स्टेशन क्या है मेरे को समझ नहीं आ रहा है।
तो अभी हर एक डब्बे में अच्छे खासे लोग दिख रहे हैं, लेकिन अगले ही पल इस पूरे डब्बे में से इन आंटी के अलावा कोई है ही नहीं। कहाँ गए बाकी लोग? और आंटी जी पूरा डब्बा तो खाली है, अंदर जाके बैठ जाओ ना, वैसे सीट नहीं मिलती तो बैठने के लिए दौड़ते हैं, अब सीट मिल रही है तो किसी को बैठना नहीं है। सही बात है। तो अभी यहाँ बीच में सना खड़ी हुई है जो कि अगले ही पल वहां से गायब हो गई। तो यहाँ पे चिट्टी बता रहे हैं कि बच्चे का जन्म एग्जैक्ट 4:40 और 4 सेकंड पर होगा, लेकिन जब एक्चुअली में जन्म होता है तब इस हॉस्पिटल की घड़ी में 4:45 हो रहा है, क्योंकि अगर 4:40 को होता तो बड़ा काटा तो 8 में होता ना, मगर यहाँ तो 9 में है। वाह, चिट्टी बहुत कमाल का रोबोट है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन भाई ये ज्यादा हो गया यार, मतलब भाई ये वीक है यार, इसको तो बक्स दे। यहाँ पे चिट्टी ने 5 से 6 प्लेट एक साथ गिराए हैं और कितना भयानक उनके टूटने का आवाज आया है, लेकिन भाई जो स्वैग लेवल लड़की का है ना, मतलब भाई पलट के तक नहीं देखी, हल्का सा मुंह तक नहीं घुमाई। वाह, मतलब भाई पीछे से इतना भयानक टूटने का आवाज आएगा तो किसी की भी फट जाएगी यार, कोई भी पलट के देखेगा कि क्या हुआ, और अपने जैसा कोई निकला तो गाली दे देगा। जब डॉक्टर बोहरा न्यूरल स्कीमा डाउनलोड कर रहे थे तब इसकी स्पेलिंग देखो, लेकिन वसीकरण के टाइम में इसकी स्पेलिंग अलग ही लिखी थी, मतलब वाह। अभी चिट्टी वाली कार के बगल में सिर्फ एक ग्रे कार दिख रही है हमें, लेकिन अगले ही पल वहां पे एक एक्टिवा और रेड कार आ जाती है जो कि पहले थी ही नहीं वहां पे। वाह, और सामने कोई अलग ही सफेद कार आ गई जहां पे ग्रे कार को होना चाहिए था, मतलब क्या बात। अभी चिट्टी वाले कार के जस्ट बगल में एक रेड कार दिख रही है हमें, बिल्कुल जस्ट बगल में ही है ना, लेकिन अगले ही पल वो कार कितनी दूर हो गई भाई, जो कि जस्ट बगल में ही थी, मतलब भाई मतलब भाई भाई। तो ये है चिट्टी वाली कार और ये है एक रेड वैन जो कि दोनों ट्रक के बीच में दिख रही है हमें, लेकिन दूसरे एंगल से दिखाने पे भैया वो रेड वैन बीच से गायब हो गई, और थोड़ा आगे जाने पर कितनी आगे पहुंच गई भाई, कितनी आगे, मतलब चिट्टी से भी फास्ट चला रहा है भाई ये आदमी है कि क्या है। और उसी रेड वैन के बहुत ज्यादा पीछे हमें एक टू व्हीलर दिख रही है जो कि अगले ही पल गायब हो गई, मतलब क्या हो रहा है भाई। तो चिट्टी ने अपने आप को गोलियों से बचाने के लिए कार को लैंडस्केप मोड में पकड़ा हुआ है, लेकिन भाई उसके पैर तो अभी भी दिख रहे हैं, अगर वो कार को पोर्ट्रेट मोड में पकड़ता तो ज़्यादा बढ़िया होता। सही में भाई, इस लॉकडाउन में मैं वीडियो को कैसे कैसे बना रहा हूँ भाई मैं ही जानता हूँ, मतलब बहुत मेहनत लग रही है, और मैं अपने स्टोरीज में बता ही चुका हूँ कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना पा रहा था, तो भाई बस इस वीडियो को कुछ नहीं बस 10,000 लाइक्स पहुँचा दो यार प्लीज़, मतलब अगर ये लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो ये वीडियो आपको बहुत पहले मिल जाती, लेकिन भाई ये लॉकडाउन भी ज़रूरी था तो सही है। और साथ ही मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, आखिरी में कुछ नहीं बोलूंगा अभी पूरा निपटा रहा हूँ मैं, तो सब कर लो भाई सब अभी तुरंत। मतलब दोनों तरफ कारों का मेला लगा हुआ है, खचाखच कार भरी पड़ी है, लेकिन ये चिट्टी बाद में कार निकालता कहाँ से समझ नहीं आता भाई, दोनों तरफ तो कार ही कार है तो चिट्टी कहाँ से निकाला मन। जब वसीकरण चिट्टी को CCTV में देखता है तब पीछे सना खड़ी हुई है, लेकिन जब असली में वसीकरण ने चिट्टी से बात किया था तब सना भाई बैठी हुई थी, खड़ी हुई नहीं थी, मतलब डिटेल देख रहे हो क्या ढूंढा है मैंने भाई। सना ने अपने हाथ जोड़े हुए हैं, लेकिन पीछे के एंगल से दिखाने पे सना ने अपने हाथ पीछे रखे हुए हैं, वाह, और वापस सामने के एंगल से दिखाने पे उसके हाथ तो ऊपर है, वाह। तो सना अभी इन दोनों रोबोट्स के बीच में खड़ी हुई है, मतलब जिस लाइन में चिट्टी खड़ा है उसी लाइन में सना भी खड़ी है, लेकिन पीछे के यानी कि ऊपर के एंगल से दिखाने पे सना उधर खड़ी हुई है जो कि इधर खड़ी हुई थी, मतलब याद है ना यहाँ पे खड़ी हुई थी, वहाँ हो गई है, वाह। तो चिट्टी ने अपनी उंगली को हेयर्स के जस्ट नीचे ला के रोका है, बिल्कुल सिर में, ठीक है यहाँ पे रोक दिया है उंगली को, लेकिन अगले ही पल दूसरे एंगल से दिखाने पे उसकी उंगली काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई आईब्रोज के बीच में जो कि काफ़ी ऊपर थी, और वापस अगले ही पल रुको भाई चले गई ऊपर जो कि आईब्रोज के बीच में थी, मतलब भाई क्या चल रहा है भाई। तो यहाँ पे चिट्टी में आई कमीन बोल के स्टॉप हो जाता है, लेकिन इधर परछाई देखोगे तो चिट्टी अभी भी कुछ ना कुछ बोले पड़ा है, मतलब क्या पड़ा रहा है पता नहीं। मतलब भाई बहुत सही हुआ इसके साथ, ऐसा ही होना चाहिए था, मतलब भाई कौन से दुनिया में जी रहे तू, मतलब अभी तो पूरी दुनिया में खबर फैल चुकी होगी कि इस शहर में रोबोट्स ने हमला करके रखा हुआ है, और इसको देखो साले रोबोट के सामने दादागिरी कर रहे हैं, मतलब भाई कहां से आते हैं ये लोग, कहां से आते हैं। तो अब मैं चिट्टी की सबसे बड़ी गलती से आपका रूबरू करवाने वाला हूँ। तो अगर आपने रोबोट मूवी पूरी देखी है तो आपको लास्ट का सीन याद ही होगा, लास्ट का फाइटिंग सीन जब चिट्टी बहुत सारे चिट्टी मिलके बॉल बन जाते हैं, रोबोट बन जाते हैं, दीवाल बन जाते हैं, सांप बन जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है, और ऐसा क्यों वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और आपको ट्रेन वाला सीन भी याद होगा जब अकेले चिट्टी ने इतने सारे लोगों को मार गिराया था, मतलब यहाँ पे चिट्टी अकेला है और वो अकेला इतने सारे लोगों को मार सकता है, इतनी उसकी कैपेसिटी है। तो कहने का सीधा मतलब यही है कि अकेला चिट्टी इतने सारे लोगों को मार सकता है, और यहाँ पे तो इतने सारे चिट्टीज़ है
तो यहाँ पे चिट्टी को बॉल या रोबोट बनने की जगह पर्सनली जाके अगर वो एक एक को भी मारता तो भाई आराम से जीत जाता चिट्टी, आराम से। मतलब रिलेट कर पा रहे हो ना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर यहाँ पे चिट्टी अलग अलग हो जाते और सबको अलग अलग मारते तो यहाँ पे शायद चिट्टी जीत चुका होता और शायद अभी वो दुनिया पे राज कर रहा होता, जो कि अच्छा ही हुआ नहीं कर रहा है। लेकिन भाई यहाँ पे ये बहुत बड़ी गलती है चिट्टी की, अगर आप रिलेट कर पाए हो तो नीचे कमेंट करके बता दो भाई ये बहुत बड़ी गलती है जो चिट्टी ने की है। ये लोग इन रॉकेट्स को ऊपर मार रहे हैं जबकि इनको ऊपर मारने की जगह यहाँ नीचे मारना चाहिए था, क्योंकि चिट्टी एक पतली लाइन में खड़ा हुआ है ऊपर और निशाना लगाना भी बहुत मुश्किल है पतली लाइन में। लेकिन अगर ये लोग यहाँ निशाना लगाते तो ज़्यादा से ज़्यादा चिट्टी एक साथ मर जाते और निशाना भी सही लगता। सभी चिट्टी मिलके एक बॉल बनते हैं, तो बॉल की साइज़ बहुत कम है जिसको देख के लग रहा है कि चिट्टी बहुत कम ही है। लेकिन वही जब ये सब मिलके रोबोट बनते हैं तो भाई रोबोट का साइज़ देखो, मतलब भाई इतने सारे तो चिट्टी भी नहीं थे कि इतने बड़े रोबोट बन जाए, और अगर इतने सारे चिट्टी थे तो फिर बॉल भी छोटा सा ही क्यों बना, बॉल भी बड़ा बनना चाहिए था। तो अभी वसीकरण मेन चिट्टी पे निशाना लगाने वाला है, लेकिन भाई इन रोबोट्स को देख के पता ही नहीं चल रहा है कि इनमें मेन चिट्टी कौन सा है। मतलब भाई वसीकरण को क्या मालूम कि यही मेन चिट्टी था, कोई भी मेन चिट्टी हो सकता है। अभी चिट्टी यहाँ पे उल्टा चिपका हुआ है और वसीकरण को चिट्टी का पीठ दिख रहा है, और चिट्टी अपने आप ही घूम के सीधा हो जाता है, और चिट्टी सीधा होता है इसीलिए वसीकरण उसका पेट खोल के उसका रेड चिप निकाल लेता है और चिट्टी खाली नो नो करते रह जाता है। तो भाई चिट्टी जैसे तू सीधा हुआ था वैसे ही उल्टा हो जाता, वसीकरण तेरा कुछ निकाल ही नहीं पाता। मतलब भाई चिट्टी ने बहुत गलतियाँ की है यार, बहुत। और अभी जितने भी मिस्टेक्स मैंने बताया है इनके अलावा मूवी के और भी 24 मिस्टेक्स हैं जिनके बारे में मैंने 2 साल पहले एक वीडियो बनाई चुका हूँ, अगर आप नहीं देखे हो तो ऊपर कार्ड में आपको लिंक आ रहा होगा, जाके देख लो, वो भी बहुत जरूरी है। और जिन्होंने भी वीडियो को लाइक किया है भाई ये देख लो फिर चले जाना। शिवा रवि तुमने कहा था ना एक खास चीज है जो मेरे पास नहीं है, देखा उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हो गई, मेरा मतलब था फीलिंग्स।